सिया फॉर्म सदर के इंतखाब के बाद अमरीकी आवाम तारीख में पहली बार किसी खातून को मुल्क की सदर मुंतखब करेंगी। वोटिंग शुरू होने में एक घंटा बाकी। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप मद्दे मुकाबिल, दोनों उम्मीदवारों के आखिरी रोज तूफानी दौरे। When your kids and grandkids ask what you did in 2016 when everything was on the line, you'll be able to say you voted for a stronger, fairer, better America. We're going to win today, and we're going to Washington, D.C. to drain the swamp. Absolutely. लोग घरों से निकलकर तारीख रकम कर दें, अवाम को तकसीम या इत्तेहाद में से किसी एक का मुजाहरा करना होगा। हिलरी क्लिंटन का खिताब, ओबामा ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाया, हम वाकई तब्दीली लाएंगे। हिलरी क्लिंटन करप्ट तरीन इंसान है, उनसे छुटकारा पाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद, अमरीकी सदारती इंतखाबात में धांधली रोकने के लिए इकदाम। 28 रियासतों में महकमा इंसाफ के अहलकार फराइज अंजाम देंगे। न्यू हैम्पशायर के 3 कस्बों में वोटिंग, एक कस्बे में हिलरी क्लिंटन, दूसरे में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। ट्रंप सदर बन गए तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी, अवाम जमात की सियासत मुस्तरद कर दें और हिलरी क्लिंटन को वोट देकर कामयाब करें। अमरीकी सदर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की अपील। A candidate who's tested, probably the most qualified person ever to run for this office, the next president of the United States, Hillary Clinton. We have the chance to elect someone who is singularly qualified to be our president, our friend Hillary Clinton. हिलरी क्लिंटन की जीत के इम्कान 90% हैं, उन्हें 303 इलेक्ट्रोल वोट मिल सकते हैं, ट्रंप 235 इलेक्ट्रोल वोट हासिल कर सकते हैं। खबर रिसाई इदारे रॉयटर्स का ताजा तरीन सर्वे। आज न्यूज पर अमरीकी इंतखाबात की खुसूसी कवरेज, खुसूसी ट्रांसमिशन में जानदार तजिये, अमरीका और पाकिस्तान से सीनियर तजियाकारों की शिरकत। कराची में अमजद साबरी और फौजी जवानों के कत्ल में मुलजिम इसाफ बॉबी और आसिम कैपरी को इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत पहुंचा दिया गया। मुलजिमान से तफ्तीश के लिए मुश्तरक तहकीकती टीम बनाने का फैसला। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा को धमकियों में इस खत किसने लिखा, मामला हल न हुआ। खत में दर 4 में से 3 नंबर बंद, चौथा नंबर अब्दुल बासित नामी नौजवान का निकला। खत मैंने नहीं लिखा, ये दुश्मनों की चाल है, नौजवान का मौका। भारतीय फौज का खित्ते के अम पर आज भी वॉर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ बटल सेक्टर में सिविल आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तरी खारजा तलबी, भारतीय सिफारतकारों की गैर सिफारती सरगर्मियों पर बासफोर्स, सीज फायर मुहिदे की खिलाफ वर्जी पर भी एहतजाज, सिफारतकारी की आड़ में जासूसी करने वाले 3 रॉ एजेंट भारत वापस चले गए। उम्मीदवार की बेईमानी उस वक्त तक साबित नहीं हो सकती जब तक RO को बुलाकर जिरह ना की जाए। इल्तवा की दरखास्तों पर उस्मान डार को 3 बार जुर्माना किया गया, हक समात क्या रह जाता है, NA 110 केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमांड। 6 माह में PIA के मुसाफिरों की तादाद में 26% इजाफा हुआ, वजीर आजम को इजलास में ब्रीफिंग, एयरलाइन का दायरा कार मजीद ममालिक तक बढ़ाया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। गाड़ी ले जाओ, गाड़ी में जल्दी करो, गाड़ी ले जाओ, गाड़ी में।
लाहौर में यंग डॉक्टर्स का साथियों की मौतली और नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम के खिलाफ फिर एहतजाज। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना, ट्रैफिक मुतासर, 13 रोज से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विस मुअत्तल। कल यौम इकबाल पर आम तातील नहीं होगी, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तर्जुमान वफाकी वजारत दाखिला सिंध में आम तातील होगी, सरकारी इदारे और स्कूल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। दोहा जाने वाले भारतीय निजी तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग, जहाज में मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। फ्यूल टैंक में लीकेज के बाइस एथोपियन एयरलाइन की तैयारी की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मसरूफ इंतजाम मगर जाने क्या इंतजाम कर रहे हैं। दादो तहसीन का ये शोर है क्यों, हम तो खुद से कलाम कर रहे हैं। और आदमी मर जाता है फन नहीं, अल्फाज को मौत नहीं आती, इल्म और काम फना नहीं होता, शायर दिलों में जिंदा रहते हैं। 14वीं बरसी पर जॉन एलिया की याद ताजा।